भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में इन दिनों बर्बादी छाई हुई है। यहाँ की बड़ी आबादी आटे, पानी और बिजली सहित कई जरूरी चीजों के लिए मोहताज हो रही है। पाकिस्तान पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है और अस्थिर राजनीति के कारण यहाँ का आम आवाम बुनियादी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तान के इन हालातों की चर्चा भारत में भी है और भारत में कई लोग पाकिस्तान पर खुलकर बात भी कर रहे हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री, जो पाकिस्तान को लेकर भी चर्चा में रहते हैं, ट्विटर पर दो दिन पहले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री भी ट्रेंड कर रहे थे। पाकिस्तान को लेकर आखिर क्यों बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर चर्चा में आ गए? दरअसल पिछले दिनों पाकिस्तान को लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने कई बयान भी दिए थे। अब ताज़ा बयान पाकिस्तान की इस बर्बादी को लेकर आया है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है, जिस मुल्क ने अपनी पूरी ऊर्जा दहशतगर्दी फैलाने के लिए खर्च की हो, वह मुल्क तो एक दिन नष्ट होना ही है। सुनिए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने पाकिस्तान को लेकर क्या कहा। जो देश अपनी ऊर्जा दूसरों को नष्ट करने में लगाता है वो स्वभाववश नष्ट हो जाता है, और पाकिस्तान को बहुत जल्दी भारत में विलय हो जाना चाहिए, यही रास्ता उसके पास है।